जो चिट्टागढ़ ट्रेड हो रहा है इसी पर हमने आज का ये प्रोग्राम रखा हुआ है।
सरकार से हम ये बार बार कहते हैं, हमने अप्रोच भी की है कि जो लोग चिट्टे का धंधा करते हैं, समझ नहीं आती कि क्या बात है। एक तरफ सरकार कहती है कि जो यंग लोग हैं, यंग जो बच्चे हैं, उनको हमने पढ़ा लिखा के आगे की तरफ ले जाना है, पर दूसरी तरफ सरकार को पता नहीं क्या बात है, इनके कोई इनके बिल्कुल इनको आवाज़ नहीं दिख नहीं रहा है कि चिट्टे का जो ट्रेड है वो खुलेआम हो रहा है, खास करके सिविल कैंप के अंदर। तो हम जो एक मैसेज देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के तहत आपको, सरकार को, खास करके LG साहब को और DG साहब को, क्योंकि दो ही जो महकमे हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के पास होती है। DG साहब को हम खास करके और LG साहब को ये कहेंगे कि जो चिट्टे का जो ट्रेड चल रहा है पूरी स्टेट के अंदर चल रहा है, बल्कि हमारे सिविल कैंप में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। बच्चे जो हैं, यंग जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिखे आगे ये एक नेशनल बिल्डर बनेंगे, वो बच्चे आज नशे की तरफ धकेल दिए जा रहे हैं। और मैं ये सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार ये जो चिट्टे का ट्रेड है इस पर सख्ती से उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई करे जो इस धंधे में जो ये धंधा कर रहे हैं। और पुलिस को खास करके, पुलिस को पता होता है कौन क्रिमिनल कौन है, तो पुलिस को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और ये जो लोग धंधा कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात हमारी ये है कि सरकार ने जो माइनिंग का काम शुरू किया था इस पर बैन लगाया हुआ है, तो आज जो आम आदमी जो मुकाम लाने जा रहा है, जो पहले 1500 2000 में बजरी लेता था, आज वो 4000 में ले रहा है, 4500 में ले रहा है। तो ट्रैक्टर जो है वो भी इतनी वो माइनिंग कर रहे हैं, वो देर रात इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ नहीं सकते, कितना शोर शराबा आता है। हम सरकार से हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार इस तरह ध्यान दे, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं सारे रात को डिस्टर्ब होते रहते हैं। या तो सरकार इस बैन को हटाए, वो गरीब जो आदमी जो मकान बनाना चाहता है उसको 1500-2000 में 1800 में बजरी मिल जाए, जो कि 4500 मिल रही। तो हमारा ये जो मुद्दा था, जो ये मुद्दा हमारा मैंने ये था कि जो चिट्टे का ट्रेड हो रहा है, जो यंगस्टर हमारे जो हैं जिन्होंने कहा नेशनल बिल्डर बनना है, वो लोग नशे की तरफ घिरे जा रहे हैं, वो सरकार सोई हुई है। तो हम खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब